में स्वराज एक्सप्रेस की खबर का असर हुआ है। क्षेत्रीय विधायक और राज्य मंत्री गुलाब कमरो ने स्वराज एक्सप्रेस की खबर को संज्ञान में लेकर विकासखंड के रामगढ़ में धान उपार्जन केंद्र खोलने के लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत को प्रस्ताव भेजा है। आपको बता दें कि स्वराज एक्सप्रेस ने 6 जुलाई को वनांचल क्षेत्र रामगढ़ में उपार्जन केंद्र नहीं होने से किसानों को धान बेचने में हो रही परेशानियों की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। कई किसान आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से धान को केंद्र तक पहुंचाने में असमर्थ थे और उन्हें बिचौलियों को धान बेचना पड़ रहा था। सरकार की योजना जैसे समर्थन मूल्य और बोनस से उन्हें वंचित होना पड़ रहा है और पूरी स्थिति की जानकारी क्षेत्र विधायक कमरो ने खाद्य मंत्री को प्रस्ताव में लिखकर भेजी है और साथ ही जल्द उपार्जन केंद्र खोलने की मांग भी की है। चलिए बात करेंगे सिवनी की, जहां पर विकास